कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देशों को GRP द्वारा रेलवे स्टेशन पर लाउड हेलर के माध्यम से यात्रियों को अवगत कराया जा रहा है तथा यात्रियों को मास्क तथा 2 गज की दूरी बनाए रखने हेतु जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक रेलवे रचना मिश्रा ने GRP के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वह स्वयं भी कोरोना से बचाव हेतु GRP के सभी थानों पर कोविड हेल्प डेस्क को लगातार क्रियाशील रखें। थाने पर आने वाले सभी कर्मचारियों का थर्मल स्कैनिंग किया जाए व मास्क, ग्लव्स और बचाव के अन्य उपकरणों का प्रयोग करते रहें। सामाजिक दूरी बनाए रखा जाए। थानों तथा आसपास साफ सफाई कर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जाए जिससे कोरोना महामारी से बचाव जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए पुलिस उपाधीक्षक रेलवे रचना मिश्रा ने कहा, कोविड-19 महामारी को देखते हुए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क अवश्य लगाएं। कोविड-19 की गाइडलाइनों का पालन अवश्य करें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा मुंह पर मास्क लगाए रहें। हमारे GRP अनुभाग द्वारा जैसा हमारे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश हैं उसके क्रम पे जो अभी विगत कुछ एक सप्ताह में आवागमन की संख्या और यात्रियों की संख्या, ट्रेनों की संख्या, स्पेशल ट्रेनों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण अब हमारी ड्यूटियों का भी प्रकार चेंज हो गया है। अभी जो यात्री लगातार स्पेशल ट्रेनों से एवं सामान्य ट्रेनों से आ रहे हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए हमारे ADG सर और शासन द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के क्रम में मैंने अपने सभी थाना अध्यक्षों, बलिया सर्कल और गोरखपुर सर्कल दोनों के सभी थाना प्रभारियों को यह निर्देशित किया है कि यात्रियों को आने के बाद क्रम से व्यवस्थित करके लाइन लगवाएं और मेडिकल टीमें जो जिले की ओर से स्टेशन पे जांच के लिए लगाई गई हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करा के उनका थर्मल स्कैनिंग और रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूर कराएं, उसके बाद ही उन्हें स्टेशन से बाहर जाने दें। और इनकेस किसी का पॉजिटिव आता है तो फिर इसको तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करें और इसको कंट्रोल तक भी ये सूचना भिजवाएँ। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी कोरोना के समय में ये एक विशेष प्रकार की ड्यूटी करने के दौरान हमारा स्टाफ खुद ही इससे प्रभावित ना हो जाए, इसके दृष्टिगत जितने भी मानक हैं कोविड के प्रोटोकॉल से रिलेटेड उसको स्पेशली हर कर्मचारी फॉलो करेगा और बिना थर्मल स्कैनिंग किए किसी भी कर्मचारी को GRP से ड्यूटी में नहीं भेजा जाएगा, जिससे कि हर दिन गणना के समय यह इंश्योर कर लिया जाए कि जिन्हें हम ड्यूटी में भेज रहे हैं उनको शरीर की कोई समस्या अंदरूनी ऐसी नहीं है जिसके कारण उनकी अक्षमता हो, अच्छे से उन वो ड्यूटी कर सकें। इसके लिए वो प्रॉपरली मास्क पहने, फेस शील्ड पहने, ग्लव्स पहने और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से मेडिकल जांच कराएं और तब स्टेशन से बाहर जाने दें। ये अपील हमारे सभी उच्च अधिकारियों और शासन और मुख्यमंत्री महोदय की ओर से सभी यात्रियों और थाना स्टाफ से की गई है, जिसका अनुपालन कराए जाने हेतु SOs को निर्देशित किया गया। कुछ लोग आते हैं बिना मास्क लगाए, क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है? जी, कल जैसा कि और इसके पहले भी जिले में भी होता रहा है और GRP को भी यह अधिकार अभी दिए गए हैं कि जो लोग मास्क न पहने दिखें उनका चालान किया जाए, प्रथम बार एक सीमित धनराशि से और दूसरी अथवा तीसरी बार फिर उसी तरह पाए जाने पर बढ़ी हुई धनराशि से उनका चालान किया जाए और न सिर्फ चालान किया जाए बल्कि उनको मास्क भी उपलब्ध कराया जाए। चालान करके दंड देना हमारा उद्देश्य नहीं है अपितु सुधार करके इस भयानक महामारी से जनता को सुरक्षित रखना हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है। प्लेटफॉर्मों पे लगातार गश्त भी जारी है? जी हाँ, हमने स्पेशली इसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म ड्यूटीज़ और रेगुलर ड्यूटीज़ के अलावा एक QRT बनाई है जो पूरे 24 घंटे राउंड द क्लॉक 8-8 घंटे की शिफ्ट कर रही है। उनका सिर्फ यही काम है कि किसी भी भीड़ को एक जगह ना इकट्ठा होने दें, गोले बनवा के या रस्से लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएं और बिना जांच किए किसी को भी थाना पर स्टेशन परिसर से बाहर न जाने दिया जाए, ये इंश्योर करें।